चल इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। होम आइसोलेशन में 75% से ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। शहर में 13,000 एक्टिव केस हैं और इनमें से 8,000 से ज्यादा होम आइसोलेशन में हैं। तो आपको एक खबर बता दें, होम आइसोलेशन में 75% से ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। भोपाल में 13,000 एक्टिव केस हैं जिनमें से 8,000 से ज्यादा होम आइसोलेशन में है। जिनका ऑक्सीजन लेवल 94 तक है उन्हें घर पर रहने की सलाह दी गई है। अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो लगातार फीवर रहता है तो फिर अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी जाती है। होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं 75% से ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। चलिए और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, हॉस्पिटल में तो कमी कहीं ना कहीं बेड की देखी जा रही है, लेकिन जो मरीज घर पर रहकर ही अपना इलाज कर रहे हैं, घर पर रहकर ही दवाइयां ले रहे हैं, तो 75% से ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ऋतु, देखिए होम आइसोलेशन की जो व्यवस्था है वो तो लगातार जारी है, और ऐसे में जब बड़ी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं तो संक्रमित होने के बाद उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं जो लोग जो जिनमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी होने लगती है या फिर लोगों को ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ती है। तो अगर ऐसे मरीज जो है जिनको माइल्ड कोरोना हुआ है तो उन माइल्ड कोरोना वाले मरीजों को फिलहाल होम आइसोलेशन में भेजा जा रहा है, और इन्हीं होम आइसोलेशन में रहते हुए लोगों ने कहीं ना कहीं लोग स्वस्थ हुए हैं। 75% लोग जो ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में ही दवाइयां खाकर और अपने जो नियम फॉलो करके सही हो गए हैं। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए जो एक बड़ी जानकारी जो है वो स्वास्थ्य अधिकारियों ने दी है कि जिनका ऑक्सीजन लेवल 94 तक है उन्हें घर पर रहने की ही सलाह दी गई है। साथ ही साथ अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है या लगातार बुखार बना रहता है, बीमार लगातार बने रहते हैं तो अस्पताल में जाने की स्थिति बनती है। हालांकि जिस तरीके से अगर बात की जाए भोपाल शहर की, तो भोपाल शहर में अब 13,000 एक्टिव केस है, इनमें से 8,000 से ज्यादा लोग जो है वो होम आइसोलेशन में, मतलब एक बड़ी संख्या जो है वो होम आइसोलेशन में अपना इलाज कर रही है और कहीं ना कहीं नियमों का पालन करते हुए वो स्वस्थ भी हो रहे हैं। ठीक है दुष्यंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों से साझा करने के लिए। तो राजधानी भोपाल में फिलहाल 13,000 एक्टिव केस हैं और इनमें से 8,000 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में, और ये मरीज 75% से ज्यादा मरीज होम आइसोलेशन में ठीक भी हो रहे हैं। वहीं जिनका ऑक्सीजन लेवल गिरता है या फिर उन्हें लगातार बुखार रहता है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह भी सरकार द्वारा दी जाती है।